गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, इफ़ टू वेरिएबल्स are given in pairs, then to find the y corresponding to x, then we use डिफरेंस फार्मूला, दैट इज हम लोग यूज़ करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। यहाँ पर मेथड्स बहुत सारे हैं आपके लिए, आप लोग बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो, और हम लोग आगे जो कि ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यू सिम्पसन्स वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट रूल, जो कि और भी मेथड्स हम लोग जो कि आगे पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। अगर आपको दो वेरिएबल्स पेयर्स में गिवन रहेगा, दो वेरिएबल्स लेट से दैट इज एक्स एंड वाई, अगर आपको एक्स एंड वाई कोई आपको पेयर्स में कोई वेरिएबल्स गिवन है, एक्स का वैल्यू क्या गिवन है लेट से 1 2 3 4, राइट, एंड वाई का वैल्यू गिवन है 5 6 7 8, राइट। तो वहाँ पर अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है एट करस्पॉन्डिंग टू x के वैल्यू पे, राइट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको वेरिएबल्स पेयर्स में गिवन है, तो उस पेयर्स में अगर आपको एक्स का वाई का वैल्यू फाइंड करना है एट करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यू में, तो आप लोग क्या करोगे, ये फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करोगे। तो हम लोग सबसे पहले देखिए ये तो यूजेस देख लिए हम लोग ने, यूज़ कहाँ पर करते हैं ये तो हमें पता चल गया। ना हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, दैट इज़ अ ऑपरेटर कौन सा होता है, दो ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर सबसे पहला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें आपको खाली ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट आपको जो क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको ये थ्योरी थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट है। यूजेस आपको समझ में आ गया, ऑपरेटर कौन सा, दो ऑपरेटर होता है, दैट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि हम लोग उसे डोनेट किस तरह से करते हैं, दैट इज़ इसे हम लोग डोनेट करते हैं डेल ऑपरेटर के द्वारा, राइट है। ये क्या होता है आपका डेल ऑपरेटर, दैट इज़ हम लोग डोनेट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दैट इज डेल डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस तरह से लिखेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है आपका डेफिनेशन होता है किसका, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। दैट इज़ क्या होता है डेफिनेशन, दैट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट है। यहाँ पर एच का वैल्यू क्या होता है, एच हम लोग कैसे देखते हैं, एच इज़ नथिंग बट, यहाँ पर एच हम लोग किस तरह से डोनेट करते हैं, एच इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट इज एक्स वन माइनस एक्स जीरो, राइट है, एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ये कहाँ से आया, लेट से मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, दैट इज आपको कुछ डाउट ना हो, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से आपका एक्स एन तक आपका एक्स का वैल्यू गिवन है। ये जो एक्स का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू क्या है आपका, डिफरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि अगर आपको h का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो h का वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज x1 माइनस x0, और कैसे ले सकते हो, और इसे किस तरह से लिख सकते हो, दैट इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सिमिलरली आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज x3 माइनस x1, राइट है, x3 माइनस x2, राइट है। नाउ सिमिलरली अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो लास्ट में कैसे लिख सकते हो, दैट इज लास्ट में आप इस तरह से लिख सकते हो, दैट इज एक्स, एच का वैल्यू आप लोग किस तरह से लिख सकते हो, दैट इज एक्स एन माइनस वन। तो एच का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, एच का फॉर्मूला दैट इज एक्स एन माइनस वन, जो कि इसका वैल्यू हमेशा रहेगा कॉन्स्टेंट,
कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, राइट है। अगर आप एक्स वन माइनस एक्स जीरो करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो भी आपका क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, जो कि हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर यूज़ होगा। बट यूज़ इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, दैट इज़ डेल्टा एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है आपका, डेफिनेशन ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसी यहाँ पर एच का वैल्यू क्या होता है, दैट इज एक्स वन माइनस एक्स जीरो, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन। इस तरह से आपका सेम वैल्यू मिलेगा, दैट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, एक्स एन माइनस वन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ देखिए, ये जो आपको ये ऑपरेटर है, ये जो कि हम लोग ने डेल्टा ऑपरेटर लिखा, ये डेफिनेशंस को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, राइट है। इसे हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई, किस तरह से मॉडिफाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है, दैट इज़ डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट है। ये क्या होता है आपका, डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नाउ अगर मैं यहाँ पर अगर हम लोग अज्यूम करें इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, अगर हम लोग यहाँ पर अज्यूम करें कि अगर एक्स का वैल्यू एक्स जीरो होगा, राइट है, एक्स का वैल्यू एक्स जीरो होगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पे एक्स जीरो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो। और इसी एफ ऑफ एक्स जीरो को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, लेट्स से दिस इज द वाई जीरो, राइट है, दिस इज व्हाट वाई जीरो। एंड सिमिलरली ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे हम लोग ने क्या अज्यूम किया, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका एक्स जीरो एंड दिस इज अ प्लस एच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस एच प्लस ऐड हो रहा है, कुछ तो ऐड हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। यहाँ पर वाई जीरो क्यों था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स जीरो था, यहाँ पर एक्स जीरो प्लस कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज़ क्या ऐड हो रहा है आपका एच, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज़ अ वाई वन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ हम लोग इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर वन को थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं कि और इसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेल्टा एफ एक्स इज नथिंग बट वॉट, डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स जीरो को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज अ डेल्टा ऑफ वाई जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज नथिंग बट वॉट एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच, और इसको हम लोग ने अज्यूम क्या किया, लेट से दिस इज द वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई वन एंड दिस इज वॉट एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एफ एक्स जीरो, और इसको हम लोग ने अज्यूम किया वाई जीरो। तो आपको समझ में आया, डेल्टा वाई जीरो का वैल्यू क्या मिला आपको, वाई वन माइनस वाई जीरो। ये हम लोग ने क्या किया, अज्यूम किया वाई जीरो एंड वाई वन, क्यों, क्योंकि ये एक्स जीरो था, तो एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या अज्यूम किया, वाई जीरो। सिमिलरली एक्स जीरो प्लस एच के करस्पॉन्डिंग हम लोग ने अज्यूम किया वाई वन, क्यों किया वाई वन, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडिशन हो रहा था, कुछ इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर वाई वन कर दिया। तो यहाँ से देखोगे तो डेल्टा वाई जीरो का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डेल्टा वाई जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली डेल्टा वाई जीरो आपको ये मिल गया, लेट से कि ये हम लोग ने अज्यूम किया, लेट से दिस इज द वन, लेट से दिस इज द पॉइंट नंबर वन। अगर सिमिलरली अगर पॉइंट नंबर टू में अगर हम लोग इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन अज्यूम करें, अगर इस एक्स की जगह पे एक्स वन ले लें, एक्स की जगह पे एक्स वन ले लें, तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग ने अज्यूम किया था वाई जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स जीरो था, तो यहाँ पर क्या है एक्स वन है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, दैट इज वाई वन, राइट है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच को किस तरह से लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच को, एक्स को हम लोग ने अज्यूम किया दैट इज एक्स वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस क्या हो जाएगा एच, राइट है। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्लस एच से, तो आप लोग क्या करोगे वाई वन भी जो इंक्रीज होगा वो एक एडिशन होगा दैट इज वाई टू। तो यहाँ से जो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा आपका नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज क्या मिलेगा डेल्टा वाई वन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन की जगह पे अब क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन की जगह पे डेल्टा वाई वन हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच, इसका वैल्यू क्या आपको वाई टू गिवेन है, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे दैट इज एफ ऑफ एक्स वन, और इसका वैल्यू क्या गिवेन है वाई वन। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, डेल्टा वाई जीरो किस तरह से लिखा गया वाई वन माइनस वाई जीरो, डेल्टा वाई वन किस तरह से लिखा गया दैट इज वाई टू माइनस वाई वन, राइट है। यहाँ पर देखिए वाई जीरो था तो वाई वन माइनस वाई जीरो, वाई वन है तो क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से अगर आप इंक्रीज करते जाओगे, लेट से कि आपको अगर डेल्टा वाई एन लिखना रहे डेल्टा वाई एन, तो आप किस तरह से लिखोगे,
देखिए यहाँ पर वाई जीरो था तो एक इंक्रीज हुआ, फिर से वाई जीरो हुआ। सिमिलरली वाई वन था तो एक इंक्रीज हुआ, फिर से आपका वाई वन हुआ। सिमिलरली अगर वाई वाई एन रहेगा तो आप लोग किस तरह से लिखोगे, दैट इज़ एक इंक्रीज होगा, दैट इज़ वाई एन प्लस वन, एक इंक्रीज होगा, माइनस क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू, दैट इज़ वाई एन। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा वाई एन, जो कि ये हमें क्या मिला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो कि हम लोग आगे क्या करेंगे इसका यूज़ करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी यूज होगा। तो ये क्या होता है आपका, ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किसका होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जनरल फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हम लोग सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में भी देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है आपका डेल वाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, क्या होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसे डेफिनेशन इसका क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया, दैट इज़ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेशन है, जो कि हम लोग आगे यहाँ पर भी फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर में भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस लिखा गया है, खाली आपको समझना है क्या। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, इफ़ एक्स इज अ डिवाइडेड इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स ईच ऑफ अ लेंथ एच, देन वी डोनेट द वैल्यू एफ ऑफ एक्स वेन एक्स इज इंक्रीज बाई एच। देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग सबसे पहले डोनेट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हम लोग ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा के द्वारा डोनेट किया था, राइट है। तो इसे हम लोग किस तरह से डोनेट करते हैं, इसे हम लोग डोनेट करते हैं, दैट इज दिस इज डोनेटेड बाय ई। ये क्या होता है, हम लोग इसे ई द्वारा डोनेट किया जाता है, दैट इज ई इज नथिंग बट फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। तो नाउ इसे देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, दैट इज इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, दैट इज ई एफ ऑफ एक्स, जैसे कि हम लोग ने डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिखा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए, सिमिलरली हम लोग फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर के लिए ई एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और इसे किस तरह से लिखेंगे, दैट इज इसे हम लोग लिखेंगे सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर गिवन भी है डेफिनेशंस में, क्या गिवन है देखिए, इफ एक्स इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल सब इंटरवल, अगर कोई आपका वेरिएबल एक्स है, अगर आपको डिवाइड किया गया 1 2 3 4 इस तरह से आपका डिवाइड किया गया इक्वल इंटरवल में, दैट इज ए 1 2 3 4 क्या आपका एक इक्वल इंटरवल है, ईच ऑफ अ लेंथ एच, एच क्या होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट है। देन वी डिनोट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय एच। सिंपली क्या करेंगे, एक्स जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स रहेगा उसको सिंपली क्या करेंगे एक्स प्लस एच कर देंगे, एक्स इज इंक्रीज बाय एच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ई एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स था सिंपली हम लोग ने क्या किया ऐड किया एच, तो ये हमें मिल गया फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, राइट है। नाउ इसे थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम लोग को देखिए क्या मिलेगा, जैसे हम लोग ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में सिंप्लीफाई किया था, सेम हम लोग क्या करते हैं इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अगर रहेगा तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, ई इन टू ई एफ ऑफ एक्स, राइट है, इस तरह से लिखेंगे। अब हमें पता है इसका डेफिनेशंस पता है, ये क्या होता है ई इन टू ई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, दैट इज सिंपली क्या करेंगे एक्स प्लस एच, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से मिल जाएगा दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट है। नाउ यहाँ पर क्या गिवन है, ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जैसे अगर ई इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर क्या देखिए ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली एच को इंक्रीज कर देंगे, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 2h, राइट है, एक्स प्लस 2h, क्योंकि e है मतलब क्या होगा आपका x इंक्रीज होगा, x प्लस h इंक्रीज होगा बाय h के द्वारा, तो x प्लस h प्लस h दैट इज क्या हो जाएगा x प्लस 2h। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर लेट से कि एक मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज ई क्यू इंटू एफ ऑफ एक्स अगर आपको गिवेन होता, अगर आपको फाइन करना रहता ई क्यू इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग किस तरह से लिखते थे इसे, ई स्क्वायर का वैल्यू पता है हमें, तो हम लोग किस तरह से इसे देख के ब्रेक करेंगे, दैट इज ई इंटू ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, राइट है। तो ई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें, दैट इज ई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू एच, राइट है यहाँ तक। तो नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा ई इंटू एफ ऑफ एक्स, और हमें फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का डेफिनेशन पता है, जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे एच, तो यहाँ से अगर आप ऐड करोगे एच तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 3h, एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका
3h। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से आप इंक्रीज करते जाओगे तो e रेस टू, अगर n का वैल्यू लिखना होता e रेस टू n एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एन एफ ऑफ एक्स, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सिंपली क्या करेंगे, देखिए ई स्क्वायर था तो 2h था, ई क्यू था तो x प्लस 3h है, तो ई रेस टू एन रहेगा, ई रेस टू एन रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दैट इज x प्लस एन एच। ये क्या होता है आपका फॉरवर्ड सी ऑपरेटर का जनरल फॉर्म। जैसे कि हम लोग ने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जनरल फॉर्म देखा था, सिमिलरली ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड सी शिफ्ट ऑपरेटर का जनरल फॉर्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे हम लोग समझ लिए, ना हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फाइन करेंगे। किसका रिलेशन फाइन करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में रिलेशन देखेंगे, राइट है। तो रिलेशन हम लोग देख लेते नेक्स्ट पेज में। नाउ यहाँ से देखिए हमें रिलेशंस फाइन करना, दैट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल। यहाँ पर देखिए रिलेशन कैसे फाइन करेंगे, हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर इज नथिंग बट क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसका जो कि हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, दैट इज अ डेल्टा एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड एफ ऑफ एक्स, राइट है। ये क्या होता है आपका डेफिनेशन ऑफ किसका होता है, दैट इज अ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। सिमिलरली हम लोग ने देखा था किसका, शिफ्ट ऑपरेटर। फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या देखा था, दैट इज अगर e इंटू एफ ऑफ एक्स रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली क्या करना है, यहाँ पर h को ऐड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e इंटू दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो नाउ हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिला है, दैट इज ई इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन है, दैट इज डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, ई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉमन है, तो दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ यहाँ से देखिए दिस एफ ऑफ एक्स विल गेट कैंसल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई माइनस वन, राइट है। डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, और चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ये बहुत सारे एग्जाम में भी इस तरह का आपको पूछा जाता है ये रिजल्ट, दैट इज प्रूफ करने के लिए, दैट इज ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, ये आपको प्रूफ करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो प्रूफ करने के लिए आपको सिंपल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेफिनेशन से याद रखना है एंड फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर का डेफिनेशन से याद रखना है, एंड दोनों को कंपेयर करके आपको क्या करना है, ई का वैल्यू निकालना है, दैट इज वन प्लस डेल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ हम लोग इसे क्या करते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। देखिए ये क्या हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल, क्या रिलेशन है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल टू वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या होता है हमारा रिलेशन होता है। नाउ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि देख लेते, जो कि हम लोग अभी आगे जब भी हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला वहाँ पर प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर भी इस पॉइंट का यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें ई, दैट इज ई एफ ऑफ एक्स हमें पता है क्या होता है, ई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट है। सिंपल सा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना है, जब भी आपको ई एफ ऑफ एक्स दैट इज फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर रहेगा तो एक्स को हम लोग कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग एच इंक्रीज कर देंगे, राइट है, एच क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे। नाउ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये क्या होता है आपका टेलर सीरीज। हम लोग यहाँ पर यूज़ क्या कर रहे हैं, टेलर सीरीज का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका एच क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ये क्या होता है आपका टेलर सीरीज होता है, जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि टेलर सीरीज को हम लोग किस तरह से थे, कोई भी फंक्शन अगर आपको एक्स प्लस एच को एक्सपांड करना है इन असेंडिंग पावर ऑफ एच, असेंडिंग पावर ऑफ एच इज नथिंग बट एच, एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, तो हम लोग इस तरह से उसे एक्सपांशन कर सकते हैं, राइट है। नाउ यहाँ से देखिए आपको एफ डैश ऑफ एक्स, अगर आपको कोई फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स गिवेन है तो हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, अगर लेट्स से कि यहाँ से अगर हम लोग इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स
प्लस एच, इसे हम लोग किस तरह से लिखते हैं, दैट इज डी बाय डी एक्स, राइट है, डी बाय डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आपको पता होगा हम लोग इसे इस तरह से लिखते हैं, दैट इज डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा ये आपका एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, दैट इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या होता है आपका एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल है, एच क्यू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, इसे हम लोग किस तरह से डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव है द डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू इंटू एफ ऑफ एक्स, इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा, राइट है, नहीं पता होगा फिर भी आपको ये याद रखना है कि हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, समझने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं स्टेप्स लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ मैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स है, सिमिलरली यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए वन प्लस एच इंटू क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स, और आपको पता है डी बाई डी एक्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ कैपिटल डी, कैपिटल डी इज़ नथिंग बट क्या होता है डी बाई डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं डी स्क्वायर, सिमिलरली एच क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ ए डी क्यू, प्लस क्या रहेगा आपका इस तरह से टेलर सीरीज का एक्सपेंशन आपका इन्फोनाइट टाइम तक रिपीट होता रहेगा, राइट है। अब नाउ यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है दैट इज ई इंटू एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है आपका ई इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, राइट है, ये हम लोग ने डेफिनेशन कहाँ से लिया था, दैट इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से। आई होप कि आपको समझ में आता होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर को अभी हम लोग ने डिटेल में समझा था, इसमें समझने से रिलेटेड कुछ है नहीं, खाली आपको थोड़ा सा फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा आपको डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स विल गेट कैंसल, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से ई का वैल्यू देखिए ई इज इक्वल टू यहाँ से देखिए वन प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर इंटू डी स्क्वायर, ये आपको एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ई रेस टू एच डी ई रेस टू एच डी, ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स इज नथिंग बट वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सिमिलरली ई रेस टू एच डी क्या होगा आपका, ये टेलर सीरीज का एक्सपांसन होगा। आई होप कि आपको ये पता होगा, मैकलोरन सीरीज में हम लोग ने यह फॉर्मूला देखा था, दैट इज इसका एक्सपांसन क्या होता है, दैट इज ई रेस टू एच डी। नाउ यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पर क्या मिला आपको ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल, अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा, रिलेशन क्या मिलेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल, एंड ई का वैल्यू कितना मिला हमें ई रेस टू एच डी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि आपको एग्जाम में इसका रिलेशन आपको पूछा जाता है प्रूफ करने से रिलेटेड, कि रिलेशन बताइए ई इज इक्वल टू ई रेस टू एच डी, तो आप लोग इस तरह से आप इस तरह इसे प्रूफ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ हम लोग देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा था बेसिक लेक्चर रिलेटेड टू ई एंड डेल के बारे में, अगर आपको ये समझ में आया होगा ई एंड डेल दैट इज़ ए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से रिलेटेड, तो 100% श्योर है कि आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला भी ईजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में भी इसी रिलेशन का यूज़ करके क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे।